बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उम्मीद अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है खजर खान, जिनका तलक है फिजबानिया मानसरा का नवाई इलाका है। इनके साथ PTCL से मुलाकात कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको पुख्ता नौकरी देने के जासे पर 2016 से लेकर 2020 तक इससे काम लेते रहे और उसको कितनी उजरत अदा करते रहे, किस तरीके से करते रहे, इन सब पर बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। जी आपका नाम? मलो खजर खान जी। मलो खजर खान जी, क्या वाकया आपके साथ पेश आया? मरना जी बेकरदा से फेवर PTCL का काम ना, इन्हें बंदे मगर है 15,000 रुपए तनख्वाह देते रहे। इनका पूरा नाम बताएं? इनका नाम है असद बलोच साहब है, असद है। ये तनख्वाह 15,000 रुपए देते रहे, 15,000 तो पेश आए तनख्वाह मड़ी ना कटनी शुरू कर सटी है, इन्हें 7,000 रुपये थे 8,000 रुपये महीना देना शुरू करके दे, 3 महीने 15,000 है सहन के, मैं बकाया ना सहन भी नहीं कहने सेना तो बस दे मग तनख्वाह रास्ते में जाओ जा जितना मैं काम कर दो उतना खड़ के चार दिन दिया से ते ये मेरे को खड़े भी मरा दे रहे मेरी डिप्टी सुबह तो आसी दे ये 24 घंटे लिखे देते दिहाड़िया रोडा था सड़ा फिर दिया से अभी फिर के फाइबर केबल पहनी इसकी निगरान आ सकती जी असी रोडा से सड़ा केबल तारा थे भारतीय कार्ड है ना मुख सितारा भी दे 9 महीने तो बाद पेट्रोल कार्ड दिए हैं कड़े ना महीने हो गया मुझे ना जवाब दिए यानी 4-5 साल तो गुजार कर जी मेरे को कहते रहे थे खटे मरा देने मुका थोड़ी तनख्वाह तो बकाया रकम जेडे थोड़े आसी कटते 8,000 10,000 तो कठे बकाया मिल गया सुन जो तू पको सी सारे थोड़े कार्ड भी बन गए जी थोड़ी दहशत भी असी सारे सरकारी बंदे सरकारी कार्ड हो गए थोड़ा तो ये मैं जो है ना गले तो आया तो मैं पैसे मंगने शुरू की मैं मेरे अगले बकाया दो इन्हें मैं पकड़ के सरकारी मोबाइल मोड़ के मंगे आ तू जमा करा ले जमा हो सी दुआ मिल सी वो मैं जमा करा ले तो उसके पीछे मेरे को लेना मोटरसाइकिल तो पेट्रोल कार्ड आ तू दे दे तो अभी जैसा तो मैं पैसे मंगने लगे मेरे पेट्रोल कार्ड है ना चाह के देते मोटरसाइकिल भी उसके बाद लोग होना आते हैं तू फार के मैं आए मारे पैसे दो मेरे ते ना पेट्रोल कार्ड मारे कार पे जे ते मैं पेट्रोल कार्ड कहने में आया जितने मारे पेट्रोल कार्ड पैसे ना देते मैं उतना पेट्रोल कार्ड भी इंतजार ना देता मारे पैसे पूरी रकम लोग आते हैं पुलिस वालों को भी तो मरा सा जी सरकारी बंदे आज ही तू ना तू फार के ते फारो करना तो पहले आदमी जिस महकमे में भी 2 साल भी नौकरी कर रहा था कोई बंदा भी कहता कंटेक्ट भी हुआ कोई नहीं काट के मिला इन्हें मुझे फारो कर सके कितने सालों बाद 4 साल तो बाद जी तो छोड़ के चाहे अपील के कर दे मेरा आते पास मड़ी नौकरी भी है हाल है मड़ी रकम भी जी है ना कोला को भी दे वन लोग और इनके खिलाफ इनके खिलाफ बात से जगह जो है मैं आता कुछ होगा जी इनके खिलाफ ये लोग जी बच्चे और जी भी तनख्वाह एक कट दिन खा दिन जी कितने लोग और भी हाल काम ये बच्चे मोचन जी ज्यादा आदमी कम से कम 15-20 बच्चे जी और खा दिन जी जी ये कहते हैं जी करप्शन से पाकिस्तान तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? खजर खान ने जो कुछ अपने साथ पहचाने वाले वाकयात को बयान किया है इसकी आला हुकाम से अपील की जाती है कि खुदारा इसकी आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि असल हकायक सामने लाकर इस शख्स के साथ 4-5 साल तक जो कुछ खिलवाड़ होता रहा है उसका जाला हो सके, इसको पूरी पूरी तनख्वाह दी जाए, इसको जो लालच दिया गया था नौकरी का पुख्ता नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम कर रहा था तो इसको पुख्ता नौकरी दी जाए, जो तनख्वाह से इसके पैसे बगैर दस्तखत के काटे गए हैं उसकी बाकायदा वो पैसे भी दिए जाए और जिन लोगों ने इस तरह की नौकरबाजी करने की कोशिश की है उनके खिलाफ तजीबी कार्रवाई भी की जाए। इसी इनका ये मुतालबा आला हुकाम तक है कि खुदारा जी कानून नाफिज करने वाले इदारे ये जो भी है इस बात को आगे तक पहुँचाएँ ताकि आला हुकाम तक ये पहुँच सके और उसके साथ जो ज्यादती है वो होने वाले दीगर बच्चों के साथ भी ज्यादती होगी, बड़ों के साथ भी ज्यादती होगी और PTCL का एक बड़ा नाम है और महकमा है और उसमें काम करने वाले हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं। 5-6 बड़े बच्चे खाने और ये 6-7 बच्चों का बाप भी है और ये कहता है कि मेरे घर इस वक्त बिल्कुल ही वो हालत जो है ना अबतर हो चुकी है, नौकरी भी गई और इसने जो काम किया था वो भी गया, क्या मजदूर की तनख्वाह 4,000 है 5,000 है, खड़े इनसे मरवाए जाते रहे, काम इनसे पूरा लिया तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हम बहसीत मुसलमान हैं, इंसाफ देने वाले हैं कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसका जो है ना हक अदा किया जाए, तो ये अच्छा हक अदा हो रहा है, ये किस तरह की ज्यादती है और किस तरह का जुल्म है, इस तरह नहीं होना चाहिए।